नमस्कार साथी, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बाइक क्लासेस में। और आज नमस्कार साथी, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बाइक क्लासेस में। और आज हम मानव जननांग के बारे में समझेंगे। तो ये जो मानव जननांग में ये देखिए, पुरुष जननतंत्र, मानव जनन अंग में क्या है कि एक पुरुष जननतंत्र होता है, एक स्त्री जननतंत्र होता है। ठीक है, तो मानव जननतंत्र में पुरुष जननतंत्र के बारे में देखेंगे। पुरुष जननतंत्र जो होता है वो शरीर के श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। ये नीट के अनुसार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये नीट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में पुरुष जननतंत्र पाया जाता है। तो किस में पाता है? श्रोणि क्षेत्र में या पेल्विस रीजन में पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो जो पुरुष जननतंत्र है उसमें मेन जननतंत्र में मेन भाग कौन सा होता है? मेन भाग होता है वृषण, जो मेन भाग होता है इसका। ठीक है, बाकी जो क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। मेन अंग जो होता है वो एक जुड़ा वृषण होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये रहे एक जुड़ा वृषण होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? तो एक जुड़ा तो ये वृषण होते हैं, दोनों साइड में होते हैं। ठीक है, दाएं साइड और बाएं साइड होते हैं। वृषण से क्या निकला होता है? वृषण के अंदर वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। और ये यहाँ से मिलकर वृषण जालिका बनती है। ये वृषण जालिका शुक्रवाहिकाएँ बनाती हैं, और शुक्रवाहिकाएँ जाके क्या बनाती हैं? अधिवृषण बनाती हैं। ठीक है, तो पास से देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को। देखिए कि ये वृषण है, और वृषण के अंदर जो पालियाँ हैं, ये वृषण के अंदर पालियाँ होती हैं, वृषण पालियाँ कहलाती हैं। वृषण पालिकाओं से वृषण जालिका बनती है। वहाँ से जब आगे की तरफ जाती हैं तो शुक्रवाहिकाएँ बनती हैं। ये शुक्रवाहिकाएँ हैं, शुक्रवाहिकाएँ इकट्ठी होकर ये जो स्ट्रक्चर बना रही हैं, इस तरह का शुक्रवाहिकाएँ, ये क्या कहलाती हैं? अधिवृषण। ये क्या कहलाता है? अधिवृषण कहलाता है। अधिवृषण नीचे की तरफ आता है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो ऊपर की तरफ ये जाने लगता है, क्या कहलाता है? ये नलिका कहलाती है शुक्रवाहक नलिका। ठीक है, शुक्रवाहक नलिका जो होती है वो मूत्रवाहिनी के ऊपर एक चक्कर काट कर आ जाती है, उसकी तरफ एंग बनाकर वापस आती है नीचे की तरफ। तब और ये कहाँ जाके मिल जाती है? देखिए स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है। ये जाके जो मिल जाती है वो ये शुक्राशय में जाकर मिलती है। ठीक है, शुक्राशय के पास जाकर मिलती है। और इस दोनों जो नलियाँ दाएँ बाएँ की जो दोनों नलियाँ आती हैं, ये जाके इस जगह पर खुलता है शुक्राशय। दूसरी जो ग्रंथि खुलती है वो प्रोस्टेट ग्रंथि खुलती है, जो पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। और यहाँ पर मिलती कहाँ पर है? ये पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे जो पाई जाती है वो कंदमूल ग्रंथि पाई जाती है। कंदमूत्रपथ ग्रंथि पाई जाती है। और यहाँ से एक नली आगे की तरफ बढ़ती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र मार्ग आगे की तरफ भाग की तरफ खुल जाता है। ठीक है, और पेनिस के ऊपर, शिशन के ऊपर शिशन मुंड पाया जाता है। आगे के वाले भाग में शिशन मुंड पाया जाता है, जो कि एक फ्लैप से, खाल से ढका रहता है। उस खाल को अग्रच्छद कहते हैं। ठीक है, अब इसमें डायग्राम में इसमें पढ़ लेते हैं थ्योरी में कि नलिकाओं, जो सहायक नलिकाएँ होती हैं उनके साथ धीरे धीरे एक जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तथा बाह्य जननेन्द्रियाँ शामिल होती हैं। तो इसमें वृषण भी होता है, वृषण के मेन भाग होता है, उसके साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, बाह्य जननेन्द्रियाँ शामिल होती हैं। शरीर में वृषण उधर वहाँ के बाहर एक थैली या धानी में स्थित होता है। ठीक है, जिस थैली या धानी में स्थित होता है उसे कहते हैं थैली होती है, इसे हम क्या कहते हैं? वृषण कोष या स्कॉट्रम कहते हैं।
जो विषाणु होती हैं वो विषाणुकोश या स्क्रोटम में स्थित होती हैं। विषाणुकोश विषाणुओं के तापमान को स्थिर रखता है, तापमान को नियंत्रित कम कर रखने में सहायक करता है, सहायक होता है। तो विषाणुकोश क्या काम करता है, ये शरीर से बाहर की तरफ होता है, इसलिए शरीर के तापमान से शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर विषाणुओं का तापमान को रखता है। तो पेपर में यही आता है कि विषाणुओं का तापमान कितना होता है, तो शरीर के तापमान से 2 से लेकर 2.5 सेंटीग्रेड कम होता है। और इस ये 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने की वजह क्या है, ये विषाणु किसमें होते हैं, विषाणुकोश में पाए जाते हैं, इसलिए होता है। और क्यों होता है ऐसा, शुक्राणु जनन के लिए होता है। किसके लिए होता है, शुक्राणु के बनने के लिए होता है, शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए। ये टेम्परेचर थोड़ा कम होना अति आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक विषाणु अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है। इसकी लंबाई जो पेपर में बताती है, इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई होती है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। सही है, लंबाई 4 से 5 होती है और चौड़ाई 2 से 3 होती है। विषाणु सघन आवरण से ढका रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब एक सघन आवरण होता है जिसकी चारों तरफ, विषाणु की चारों तरफ। ठीक है, प्रत्येक विषाण में लगभग कितने कक्ष होते हैं, 250 कक्ष होते हैं, जिसे विषाण पालिका कहते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विषाण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। देखिए ये है विषाण पालिका, ये रही, और विषाण पालिका ये रही, और ये या फिर इन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। कितनी होती है, 250 तक होती है ये। इनकी संख्या याद कर लीजिए, 250 तक होती है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है विषाणु पालिकाओं की संख्या कितनी होती है विषाणु में, तो ये होती है 250। और विषाणु के चारों तरफ क्या एक आवरण से ढका होता है, ठीक है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद आता है प्रत्येक विषाणु पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो पेपर में ये बहुत ज़्यादा आता है, ये प्रत्येक भ्रूण कोशिका में इम्पोर्टेंट भाग है। अंदर 1 से लेकर 3, कितनी, 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं। शुक्र जनक नलिकाएं याद रखना, नाम इसका शुक्र जनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो जिसमें अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो पेपर में यही आता है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में या शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनमें नर जर्म कोशिकाएं और सटोली कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, 2 जो होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकाएं, नर जर्म कोशिकाएं और सटोली कोशिकाएं। नर जर्म कोशिकाएं क्या काम करती हैं, शुक्राणु जन का काम करती हैं, स्पर्मेटोगोनिया का काम करती हैं। ठीक है, नर जर्म कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, शुक्राणु जन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं, जिनसे स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनसे शुक्राणु बनते हैं उनको हम कहते हैं नर जर्म कोशिकाएं कहते हैं, नर जर्म कोशिकाएं कहते हैं। और दूसरी होती है शटोली कोशिकाएं। नर जर्म कोशिकाएं जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि शटोली कोशिकाएं जो होती हैं वो जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो शुक्राणुओं को या जर्म कोशिकाओं को, नर जर्म कोशिकाओं को या शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम होता है सर्टोली कोशिकाओं का। शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं किससे होता है, नर जर्म कोशिकाएं या शुक्राणु जन कोशिकाओं से या स्पर्मेटोगोनिया से होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली कोशिकाओं द्वारा, अंतराली अवकाश, हाँ, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर के बाहरी क्षेत्र को अंतराली या अवकाश कहते हैं, अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं तथा
अंतराली कोशिकाएं, छोटी छोटी रुधिरवाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं जिसे इंटरस्टीशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स या इंटरस्टीशियल सेल्स कहते हैं। इंटरस्टीशियल सेल्स कहते हैं, सही है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है, ये लाइन है ये, तो इसे अंडरलाइन कर लेना कि अंतराली शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। जो शुक्र नलिकाएं होती हैं उनके बाहर वाले क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। इंटरस्टीशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिरवाहिकाएं पाई जाती हैं, बहुत छोटी छोटी रुधिरवाहिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहती हैं, सॉरी रुधिरवाहिकाएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ में अंतराली कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, ठीक। यह लीडिंग कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है, लीडिंग कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाओं का दूसरा नाम है लीडिंग कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं। तो अंतराली कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स, इंटरस्टीशियल सेल्स। और लीडिंग कोशिकाओं को कहते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स, मतलब इंटरस्टीशियल सेल्स को ही दो नाम है हिंदी में, अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं, इंटरस्टीशियल सेल्स इंग्लिश में इंटरस्टीशियल सेल्स कहलाती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी रुधिरवाहिकाएं पाई जाती हैं इसमें, इसमें जो गैप होता है, स्पेस होता है, इंटरस्टीशियल स्पेस में इंटरस्टीशियल सेल्स पाई जाती हैं या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं या अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एंड्रोजन नामक भृषण हार्मोन को संश्लेषित या स्रावित करती हैं। किसका श्रावण करती हैं, पुंजन का या एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन का जो श्रावण किससे होता है, लीडिंग कोशिकाओं से। तो इम्पॉर्टेंट हो गया कि लीडिंग सेल्स जो जो लीडिंग सेल्स स्रावित करती हैं एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन कौन सा होता है, मेल हार्मोन, मेल हार्मोन का नाम और कोई नाम है इसका, एंड्रोजन हार्मोन तो होता ही होता है। इसका विशेष नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है और नीट के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ। लीडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। भृषण हार्मोन कैसे हैं, मेल हार्मोन भी कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं, पुंजन हार्मोन भी कहते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। पुरुष लिंग जो होता है उसमें सहायक कोशिकाओं की, सहायक नलिकाओं के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी नलिकाएं, एक तो भृषण जालिकाएं आती हैं जिसे रेटिटेस्टिस कहते हैं, भृषण जालिकाएं या रेटिटेस्टिस कहते हैं। शुक्रवाहिकाएं आती हैं, बाह्य प्रेंश कहते हैं, अधिभृषण एपिडेमिस कहते हैं और शुक्रवाहक बाह्य डिफरेंस कहते हैं, जिसे ये सब आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, देखिए ये डायग्राम भी बना हुआ है, इस डायग्राम में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। इस डायग्राम में देखिए ये जो नली, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है नलिकाएं, सही है, ये नलिकाएं हैं। इन नलिकाओं के बाहर जो गैप ये लाल रंग का, ये कहलाता है अंतराली कोशिकाओं में अंतराली स्पेस, सही, अंतराली स्पेस, अंतराली स्पेस में पाई जाने वाली कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं कहती हैं, ठीक है। शुक्रजन या स्पर्मेटोगोनिया किसके अंदर पाई जाएंगी, ये जो ये गोल गोल से, ये गोल गोल सी है, मैं बता बिंदी बिंदी लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये गोल गोल सी है ये वाली, तो ये सब कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, ये शुक्रजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। बाहर की तरफ जो स्पेस है इसको कहते हैं अंतराली, अंतराली स्पेस, और इसमें पाई जाती है अंतराली कोशिकाएं। शुक्रजन कोशिकाओं से कैंसिस का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें कुछ सर्टोली कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, ये सर्टोली कोशिकाएं इसका भोजन का निर्माण करती हैं, भोजन के लिए पोषण का निर्माण करती हैं। इसके बाद अब देखिए और आगे,
भीषण की शुक्र जनन कोशिकाएं नलिकाएं भीषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिनियों में खुदी जाती हैं। भीषण की जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं वो भीषण नलिकाओं के माध्यम से, जो भीषण नलिकाएं होती हैं उनके माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती हैं। यही शुक्र वाहिका भीषण से चलकर अधिभीषण में खुलती हैं। शुक्र वाहिका कहाँ जाती हैं? भीषण से लेकर अधिभीषण में जाती हैं और प्रत्येक भीषण के पश्च सतह पर स्थित हो जाती हैं। कहाँ पर स्थित होती हैं? प्रत्येक भीषण के पश्च सतह पर स्थित हो जाती हैं। यह अधिभीषण शुक्र बाह की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती हैं और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती हैं। देखिए डायग्राम में फिर से देख लीजिए, ये मूत्राशय के ऊपर लूप बना रही हैं इस तरह से। अब ठीक है, ये बात समझ में आ गई, लूप बना रही हैं। इसके बाद और देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ये नलिकाएं भीषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण है। तो ये नलिकाएं क्या करेंगी? शुक्राणु भीषण से जो शुक्राणु बने थे उन शुक्राणुओं का भंडारण करती हैं। भंडारण इकट्ठा मूत्र मार्ग से इनके बाहर स्थानांतर करती है, भंडारण करती हैं और मूत्र मार्ग से इसको बाहर निकालने का काम करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकल कर, मूत्र मार्ग कहाँ से निकलता है? मूत्राशय से निकल कर पुरुष के शिश्न या पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्राशय मुख या यूरेथ्रल मिएटस। मूत्राशय मुख कहते हैं, यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। किसको कहते हैं? जो छिद्र होता है बाहर की तरफ उसे कहते हैं यूरेथ्रल मिएटस। शिश्न पुरुष के बाहरी जननेन्द्रियाँ हैं। शिश्न क्या चाहिए? उसका बाहरी जननेन्द्रिया, ये हमेशा याद रखना। वह विशेष प्रकार की ऊतकों का बना होता है। शिश्न के उद्घर्ष या उठान या इरेक्शन में सहायता प्रदान करके वीर्यसेचन मतलब वीर्य का निकलना है, यस इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धीय भाग शिश्न मुंड कहलाता है। अंतिम वर्धीय भाग मतलब जो सबसे आगे की तरफ होता है, अंतिम वर्धीय भाग या ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा द्वारा ढका रहता है, जिसे अग्रछद या फोरस्किन कहते हैं।